हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडी मूवी स्टॉक यूट्यूब चैनल। आई एम अक्षय। अभी भी मैंने ताजा खबर नाम की वेब सीरीज देखी डिज्नी हॉटस्टार पे, स्टारिंग भुवन बाम और श्रिया पिलगांवकर। लेकिन सबसे पहले सॉरी, रिव्यू थोड़ा मैं लेट दे रहा हूँ क्योंकि मैं एक जॉब करता हूँ, तो 61 मिनट वेब सीरीज को नहीं देखा, एक एक एपिसोड करके मैंने फिनिश किया। जैसे मुझे वक्त मिला उसी हिसाब से मैंने एपिसोड देखे और इस वेब सीरीज को कम्प्लीट किया है। क्या करा है, चैनल को आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, प्लीज यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, इसी तरह के कंटेंट मैं आपको देता रहूंगा इस चैनल पे। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ताजा खबर वेब सीरीज देखी सीजन 1 स्टारिंग भुवन बाम और श्रिया पिलगांवकर। सबसे पहले सवाल, ये वेब सीरीज देखनी चाहिए कि नहीं? जी हाँ, आपको ये वेब सीरीज जरूर देखनी चाहिए अगर आप भुवन बाम के फैंस हो तो, क्योंकि पूरा का पूरा फोकस और अट्रैक्शन भुवन बाम ही है। पूरे के पूरे एपिसोड नंबर 1 से एपिसोड नंबर 6 तक उनका ही प्रेजेंस सबसे ज्यादा है। उनके खुद के प्रोडक्शन यानी कि बीबीके वाइंस प्रोडक्शन की वेब सीरीज है, उनके डेब्यूट वेब सीरीज है। भुवन बाम को हमने यूट्यूब पे देखा है, उनकी ये डेब्यूट वेब सीरीज है। इसका ट्रेलर भी काफी अच्छा लगा था मुझे और तब से लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट थी उनके डेब्यू को लेके कि किस तरह से वो परफॉर्म करेंगे भी, और उन्होंने निराश नहीं किया है। एब्सोल्युटली वेल परफॉर्म बाय भुवन बाम। ताजा खबर सीजन 1 6 एपिसोड से पहले सीजन में। लेकिन स्टोरी की अगर बात करूं तो इस वेब सीरीज की स्टोरी एकदम वीक है, राइटिंग थोड़ी सी वीक लगती है वेब सीरीज की। स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले इट्स एन एवरेज। स्टोरी में मुझे काफी ज्यादा ओके ही लगी। उन्हें एक वरदान मिलता है कि आगे फ्यूचर में जो भी होने वाला है वो आपको पहले ही पता चल जाएगा एक दो घंटे पहले, तो इट्स एन नॉर्मल ओके स्टोरी है। स्क्रीन पे भी एकदम ओके है, एवरेज टाइप। भुवन बाम को हमने यूट्यूब पे कॉमेडी करते हुए देखा है लेकिन उनको एक्शन करते हुए कभी देखा नहीं, इसलिए मैं एक्शन के लिए सबसे ज्यादा वेट कर रहा था कि भुवन बाम एक्शन कैसे करेंगे इस वेब सीरीज में, और मैं डिसअपॉइंटमेंट हुआ। मैं 6 एपिसोड तक वेट कर रहा था एंड तक कि कुछ तो एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन एक्शन है ही नहीं। सेकेंड एपिसोड में कुछ तो बाथरूम का सीन है, वहाँ पर भी वो दो लोग को मारता है, वही एक्शन सीन है। मुझे लगा एंड एपिसोड में विलन के सामने जब आएंगे कुछ तो फाइटिंग सीन देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं, एक्शन थोड़ा सा मैं लेकिन मिस किया मैंने, क्योंकि बहुत उम्मीद थी ना कि हम लोग उनको कॉमेडी करते हुए देखते हैं, एक्शन में अभी तक देखा नहीं, तो थोड़ा सा वापस डिसम्बर में हुआ। दोस्तों अगर म्यूजिक की बात करो तो इस वेब सीरीज में गाने है ही नहीं, 2-3 गाने वो भी एकदम एवरेज। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करो तो भुवन बाम, उन्होंने ही इस वेब सीरीज को पूरे अपने कंधों पर लिया है। उनका गुस्सा हो, एग्रेशन हो या रोमांटिक सीन हो, उन्होंने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इट्स अ ब्रिलियंट एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, सो वेल परफॉर्म बाय भुवन बाम। उसके अलावा बाकी जो कैरेक्टर्स है उनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा कम है। श्रिया पिलगांवकर ने इस वेब सीरीज में हीरोइन का काम किया है उनका, इट्स एन एवरेज परफॉर्मेंस। उसके अलावा बहुत सारे मराठी एक्टर्स है जैसे कि प्रथमेश परब, दृश्यम में आपने उनको देखा होगा, वहां पे भी उनका काम अच्छा था। उन्होंने इस वेब सीरीज में भुवन बाम के दोस्त का रोल प्ले किया है, पूरा फोकस ही भुवन बाम पे है, तो इन लोगों का परफॉर्मेंस थोड़ा सा वेस्ट हुआ ऐसा लगा। उसके अलावा हिंदी टेलीविजन एक्टर्स है उनका भी काम इट्स एन एवरेज। उसके अलावा महेश मांजरे का सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस में एक दो सीन्स में ही है, मेरे ख्याल से 4th या 5th एपिसोड में आपको देखने को मिलेंगे। जेडी चक्रवर्ती विलन का काम किया है, इट्स एब्सोल्युटली एन एवरेज। सत्या फिल्म में देखो क्या काम किया था उन्होंने, बहुत टाइम के बाद उनके दर्शन हो गए, इट्स एन एवरेज। उनका परफॉर्मेंस एवरेज है, इट्स एन ओके। लास्ट एपिसोड में एक पार्टी का सीन है जब भुवन बाम और जेडी चक्रवर्ती आमने सामने आते, मुझे लगा यहाँ पर तो कुछ तो एक्शन देखने को मिलेगा इन दोनों के बीच, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक्शन को थोड़ा मैंने मिस किया इस वेब सीरीज में, तो ओवरऑल इट्स एन एवरेज वेब सीरीज है। अगर आप लोग भुवन बाम के फैन हो तो ही इस वेब सीरीज को देखना, वन टाइम वॉच है। सीजन 1 मुझे काफी ज्यादा एवरेज लगा, देखते हैं आगे सीजन 2 में हमें क्या देखने को मिलता है। इस सीजन से ज्यादा बढ़िया होना चाहिए यही उम्मीद करते हैं। आई एम गोइंग विद 2.5 stars out of 5। भुवन बाम के फैन हो तो इस वेब सीरीज को देखना, इट्स अ वन टाइम वॉच। अगर आप लोगों ने ताजा खबर देखी है, आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और भुवन बाम का परफॉर्मेंस कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आगे आपके लिए बहुत सारा कंटेंट भी देना है इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।